ठीक वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एरिया जो और सर्टेन प्लेस या एक इन जोग्राफिकल एरिया डिफरेंट डिवर्सिटी स्पीशीज। का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कोई चीजें हैं मेरे पास, मतलब कितनी ज्यादा वैरायटीज प्रेजेंट है, कितने ज्यादा वेरिएशंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो देखो बहुत इजी वाले वे में मैं आप लोगों को ये चैप्टर बढ़ाने वाली हूँ। एंड एक चीज और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि क्लास में ही आप लोगों को सब चीजें याद हो जाएं। और वो याद कैसे होंगी क्लास में, जो मैं बोलूंगी कि हाँ मेरे साथ रिपीट करो, आप लोगों को रिपीट करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगी लिखो लिखना पड़ेगा। बायो मीन्स होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी मीनिंग होता है आपका वेरिएशंस, कि एग्जैक्टली मेरे पास कितनी वेरिएशंस अवेलेबल हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और वो वेराइटीज अलग अलग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वो डाइवर्सिटी मेरे आज के टाइम पे लॉस होने लग रही है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब जब भी हम बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को पढ़ेंगे तो इसको 4 पॉइंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायो डाइवर्सिटी के टाइप्स कितने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी टाइप्स। अच्छा, व्हाइट स्क्रीन को ब्लैक स्क्रीन में कन्वर्ट करूं क्या, व्हाइट से आप लोगों को आईज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा? नो मैम, होता है व्हाइट से नो मैम, प्रॉब्लम, आईज में जल्दी पेन होने लग जाएगा, तो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। राइट। बायो डाइवर्सिटी टाइप्स, ठीक है। फिर आता है रीजंस फॉर डाइवर्सिटी, कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब इतने ज्यादा मेरे पास वेरिएशंस अवेलेबल है तो क्यों अवेलेबल है, उसके रीजंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, या फिर लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, कि आखिरकार क्यों मेरे पास इतना ज्यादा लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो हाउ कैन आई कंजर्व इट। बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन लिख लिए सबने 4 पॉइंट्स, मैम लिख लिया। ओके। अब इतना याद रखना है। अब आता है सबसे पहले बायोडायवर्सिटी के टाइप। तो बच्चों हम लोगों को 3 टाइप्स पढ़ना है बायोडायवर्सिटी के। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर पढ़ना है हम लोगों को स्पीसीज डाइवर्सिटी, ओके एंड द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब जो जो चीजें इस चैप्टर में आप लोगों को याद रखनी है, अपनी एनसीईआरटी में उनको हाईलाइट करते चलना, ठीक है। साथ साथ एनसीईआरटी में हाईलाइट करके चलना, मैं बताऊंगी कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो एंड हाईलाइट कर लो। करोगे इतनी मैम, चीजें? चलो देखो, अब यस मैम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बायोडाइवर्सिटी में। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा बनता है, बायोडाइवर्सिटी जो ये टर्म है किसने दिया था, तो इसको हाईलाइट करो। इसको टर्म को दिया गया था एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्टली लिखना है बायोडाइवर्सिटी टर्म एडवर्ड विल्सन ने दिया गया। और एडवर्ड विल्सन क्या थे, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। किसने दिया ये लिखना है, और कौन थे वो सोशियो बायोलॉजिस्ट। मेरे साथ रिपीट करो, टर्म गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, हु वाज अ विल्सन, सोशियो बायोलॉजिस्ट। यस राधिका, नो मैम, मैं रिपीट कर रहा अच्छा ओके, हो गया यार, टर्म किसने दिया। चलो
अभी टर्म किसने दिया, उसके बाद तीन टाइप की मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी बताई, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये है। अब एक इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाऊंगी, हम सब क्या है, ह्यूमंस है, नहीं है? एक स्पीसीज है। अब मैं स्पीसीज में मेरा लुक कुछ और है, आस्था का लुक कुछ और है, हर्ष का कुछ और है, राधिका का कुछ और है, तो एक ही स्पीसीज में कितने सारे वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मेरी बायो स्ट्रांग है, हो सकता है हर्ष की केमिस्ट्री स्ट्रांग हो, आस्था की फिजिक्स स्ट्रांग हो, तो ये इसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि हम सब के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जेनेटिक मटीरियल में है, हम सबका जेनेटिक मटीरियल डिफर कर रहा है, तभी तो हम लोग अलग है, मैं हूँ और हर्ष हर्ष है, राइट और नॉट? जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वेरिएशन विद इन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अंदर आने वाला वेरिएशन, लिखो इसको, वेरिएशन विद इन स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी देती है, क्या रोवोल्फिया स्पेलिंग, बच्चों अगर मैं स्पेलिंग गलती लिखा ना तो लिखू तो प्लीज एक बार ना चेक कर लेना और अपनी एनसीईआरटी से स्पेलिंग को सही कर लेना, वैसे आई ट्राई कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना करूं। रोवोल्फिया वोमिटोरिया, अभी रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे हमें मेडिसिन मिलती है, क्या मेडिसिन मिलती है, इससे हमें एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है, जिस केमिकल सब्सटेंस का नाम है रेजरपाइन, इसी रेजरपाइन केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है किसके लिए, टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस केमिकल का यूज किया जाता है। अब ये रोवोल्फिया सर्पेंटिना एक प्लांट है, तो मतलब ये पूरी स्पीसीज हो गई ना, बहुत सारे रोवोल्फिया, तो उस बहुत सारे रोवोल्फिया से अलग अलग केमिकल सिक्रीट होते हैं, ये जो रिजर्वाइन केमिकल है ना, इस केमिकल के ही अंदर वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन बहुत डिफर करती है रिजर्वाइन की, तो स्पीसीज एक है, जैसे मैं भी एक ह्यूमन हूँ, हर्ष भी, आस्था भी, राधिका भी, सब हम ह्यूमन है, लेकिन हम सब अलग अलग है, वेरिएशन है, ऐसी रोवोल्फिया वोमिटोरिया के बहुत सारे प्लांट है, लेकिन कोई प्लांट तो कैसा रिजर्वाइन सिक्रीट कर रहा है, किसी दूसरे के अंदर से दूसरा रिजर्वाइन सिक्रीट हो रहा है, जैसे कि हम लोगों के पास राइस होता है, राइस की बहुत सारी अलग अलग वेराइटी है, तो राइस प्लांट ही ना, लेकिन राइस प्लांट की भी अलग अलग वेराइटीज होती है, कोई बासमती होता है और वेराइटीज मिलको, या और गोल्डन राइस को तो वैसे हम लोगों ने जेनेटिकली बनाया, ऐसे बहुत सारे राइस है ना, घर में सुनते होंगे अपना आप, वो मैंगो हम लोग जैसे खाते हैं, मैंगो की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, खाते हैं ना गर्मियों में, अलग अलग टाइप के आता है, yes, ma'am. तो ये सब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो याद रखना है, इंडिया के पास 50,000 से भी ज्यादा अलग अलग वेराइटीज है राइस की, और 1,000 वेराइटीज है मैंगो की। तो अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पता चला, यहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, पहला एग्जाम्पल रोवोल्फिया वोमिटोरिया, सेकेंड एग्जाम्पल 50,000 वेराइटीज है मेरे पास राइस की, 1,000 वेराइटीज है मैंगो की। रोवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालयन वाले रेंज पे, मतलब बड़े वो होते ना, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स है कहाँ पे मिलता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में मिलता है, जंगलों वगैरह में मिलता है ना, ऐसे तो वहां से मिलता है, कंसेंट्रेशन वैरी करती है रिजर्वाइन की, रिजर्वाइन केमिकल है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट कराता है। याद हो गया सबको जेनेटिक डाइवर्सिटी, इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ में आया हो? नो मैम। चलो फिर आते स्पीसीज डाइवर्सिटी पे। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी मेरे को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सपोज करो आप जू चले जाओ, सब दिल्ली से हो, दिल्ली में जू तो सब गए होंगे ना, अब आप जू है, एक स्मॉल एरिया है, अब वहां पे आपको एलिफेंट भी मिलता है और लायन भी मिलता है, आपको बर्ड्स भी मिलती है, आपको जिराफ भी मिलता है, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं एक स्मॉल एरिया में, बहुत सारी स्पीसीज, तो जू क्या है हमारा, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, मतलब वहां पे स्पीसीज में वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस,
अलग अलग वैरायटी, जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना गर्ल्स शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो किसी ने हम लोगों को कोई ड्रेस दिखाई तो हम बोलते हैं ना कि भैया कुछ और वैरायटीज दिखाओ, या गाउन नहीं चाहिए हम लोगों को, कुछ और चाहिए वैरायटी। तो यहाँ पे भी स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी मेरे को देखने के लिए मिलेगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में जीन्स के अंदर अलग अलग वैरायटी मिलेगी। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, अगर आप चले जाओ वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स रीजन होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में लार्जर ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज, एम्फीबियंस की बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न में ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज मिलेंगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल पे अगर मेरे को डाइवर्सिटी मिल रही है। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इसमें पूरा इंडिया आ जाएगा, है ना। इंडिया के अंदर क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, अभी हम इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं, ग्रासलैंड भी है, पॉन्ड भी है, एक्वेटिक भी है, वेटलैंड है, स्टेरीज है, इतने सारे इकोसिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को वैरायटीज किसकी मिलेंगी, अलग अलग इकोसिस्टम्स मेरे को अगर देखने के लिए मिल रही है उसको बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सिंपल। यस मैम। इसमें याद क्या रखना है, देखो इसमें याद क्या रखना है आप लोगों को, एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज मेरे को देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेरा एल्पाइन रीजन है उसके अंदर सबसे ज्यादा इकोसिस्टम देखने के लिए मिल रहा है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे कि हमारा नॉर्वे कंट्री होता है, नॉर्वे के अंदर आपकी बहुत कम इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेंगे एज कंपेयर टू एल्पाइन मेडो। एल्पाइन में बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेंगे, नॉर्वे में नहीं मिलेंगे हम लोगों को। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या नॉर्वे के अंदर ज्यादा ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी एल्पाइन मीडोज में? ऑब्वियसली एल्पाइन मीडोज में मिलेगी हम लोगों को। यस साइस्ता। कभी मैम स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब? अब सामने सब रहेंगे तो दे देंगे। बेटा ये कंट्री का नाम है। अच्छा स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन कंट्री ऐसी कंट्रीज होती है जैसे कि जिसमें ना 6 मंथ्स तक तो दिन ही दिन होती है और 6 मंथ्स तक रात ही रात होती है, ऐसी वाली कंट्रीज। मतलब 6 मंथ्स तक तो एक ही पूरा का पूरा ऐसे वेदर रहेगा और 6 मंथ्स तक एक जैसा वेदर रहेगा, इस टाइप से। मतलब जहां पे आपको वेरिएशंस नहीं देखने के लिए मिलेगा इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ऐसी कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अब बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। चलो इतना सबको आई गेस क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ये तो हुआ हमारा टाइप्स का। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हम लोगों का, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, टोटल अर्थ के ऊपर कितनी स्पीसीज है, जो जो लिखवा रही ना उसको लिख लो। सबसे पहले लिखो IUCN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं हम इसको, इंटरनेशनल यूनिवर्सल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचर एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेस। और इनका जितना भी डेटा होता है ना वो अपना सारा का सारा डेटा रिलीज करते हैं रेड डेटा बुक में, ये इनकी बुक का नाम है। कब बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 2004 में बनी थी। दिस इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। अभी चलो एनसीईआरटी की लाइन पे, एनसीईआरटी हमारा क्या बोलती है, पहला पॉइंट एनसीईआरटी से जो आप लिखोगे कि हमारा जो IUCN है इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स 1.5 मिलियन से भी ज्यादा है। नॉर्मल सी लैंग्वेज में याद रखना, जैसे आपको कोई स्टोरी सुना रहा हो, जैसे आपको कोई स्टोरी सुना रहा है ऐसे याद रखना। बेटा एल्पाइन रीजन का नाम है दीक्षा, एल्पाइन मीडोज इज अ रीजन, जगह का नाम है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स की अगर मैं स्पीसीज काउंट करूं तो एक 1.5 बिलियन मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सारी की सारी स्पीसीज कौन कौन सी है। हमारे पास उनका पूरा डेटा नहीं है, वो डिस्कवर्ड भी नहीं है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि
कि 1.5 बिलियन तो बहुत कम बता रहे हो, ये तो 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं ऐसी ऐसी जो हम जानते भी नहीं है। मतलब IUCN ये कहता है कि 1.5 मिलियन है, लेकिन बहुत सारे स्पेशल साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं कि 20 से 50 मिलियन है। लेकिन एक साइंटिस्ट का नाम एग्जैक्टली एनसीईआरटी लिखती है, रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे साइंटिस्ट ये कहता है कि हमारे पूरे अर्थ पे 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज प्रेजेंट है। तीन डेटा याद रखना है, IUCN कहता है 1.5 मिलियन है, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं 20 से 50 मिलियन है, रॉबर्ट मे कहते हैं 7 मिलियन है। याद हो गया? यस, लिख लो। यस मैम। कैसे लिखोगे? ऐसे। IUCN ने क्या बोला? IUCN ने बोला 1.5 मिलियन स्पीसीज, किसकी? प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। और सम साइंटिस्ट सेज 20 से 50 मिलियन। और रॉबर्ट में क्या कहते हैं हमारे? 7 मिलियन। सिंपल, याद हो गया? अब देख लो जरा एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, बट हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज है, कितनी डिस्कवर हो रखी, नहीं हो रखी, कुछ नहीं पता। कुछ स्पीसीज इन्वेंट्रीज ये सब छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे आओ, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स ये कहता है कि हमारा 20 से 50 मिलियन है, बट हमारे रॉबर्ट मे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे पास 7 मिलियन स्पीसीज है। ठीक है? यस मैम। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि हमारी ये जो इतनी सारी स्पीसीज है ना, मैक्सिमम स्पीसीज कहाँ पे पाई जाएगी? टेम्परेट रीजन में एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन में ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगी ट्रॉपिकल कंट्रीज के कंपेरिजन में। क्यों इसका रीजन, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं, उसका मैं ना आप लोगों को पूरा ग्लोब बना के तब समझाऊंगी कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोला जाता है। कौन सी रीजन पे ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? टेम्परेट रीजन में। तो इसको ऐसे लिख लो, टेम्परेट रीजन में ज्यादा स्पीसीज होंगी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। बस हो गया हम लोगों को यहाँ तक एनसीईआरटी लाइंस लर्न? यस मैम। यस मैम, इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी हमारी आज के टाइम तक स्पीसीज रिकॉर्डेड है, जितनी भी स्पीसीज रिकॉर्डेड है, उन स्पीसीज में से 70% स्पीसीज हमारी कौन सी है? 70% है हमारे पास एनिमल्स, और 22% है उनमें से प्लांट्स। जितनी भी स्पीसीज इन्होंने बताई ना, इन स्पीसीज में 70% एनिमल्स आते हैं और 22% मेरे पास प्लांट्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रहेगा? यस मैम। एक और चीज याद रखना, ये 22 को ना एग्जैक्टली एनसीईआरटी ना ऐसे लिख देती है हमारा, ये देखो, नो मोर देन 22, मतलब 22 से ज्यादा नहीं है, 22 से कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं। इस लाइन का मतलब समझो, 22 से कम हो सकता है, 22 से ज्यादा नहीं होगा। और प्लांट के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर इन्होंने किस किस को इन्वॉल्व किया। प्लांट के अंदर इन्होंने हमारा एल्गी को लिया, फंजाई को भी इन्होंने प्लांट के अंदर ही रखा है। लेकिन अगर आप 5 क्लासिफिकेशन देखें, उसमें प्लांट में नहीं आता ये सब। ब्रायो भी इसी में आ गए, जिम्नो भी इसी में आ गए, और हमारा एनजीओ भी इसी में आ गए। ये काउंटिंग करने के टाइम पे लिया इन्होंने, फंजाई भी इन्होंने इसी के अंदर लिया। एनिमल्स में क्या लिया इन्होंने? देखो, एनिमल्स में इन्होंने बोला कि ये जो 70% है ना, इस 70% का 70% ही मेरे पास इंसेक्ट्स हैं। इस 70 का 70% है मेरे पास इंसेक्ट्स। ये समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और बाकी जितने बच गया वो रेस्ट दूसरे एनिमल्स हैं। अब देखो, अमंग एनिमल्स मतलब इन एनिमल्स में से
टोटल सपोज करो मेरे पास 100 एनिमल्स है, तो 100 में से ये बोल रहा है कि 70 तो इंसेक्ट्स है, बाकी 30 में हमारे डॉग कैट और ये सारे एनिमल्स आ जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। तो इन्होंने बोला इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मोर देन 70% ऑफ द टोटल एंड आउट ऑफ एवरी। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 10 एनिमल तो 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं, जो मैंने अभी आपको 100 वाला एग्जाम्पल देके बताया, वो इन्होंने 10 का एग्जाम्पल देके बता दिया। ठीक है, yes ma'am। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस। इसको मैं आगे ना ग्राफ दिखाती हूँ आपको, उसमें समझाती हूँ। पहले ये वाला डेटा लिख लो, फिर आगे ग्राफ में लाइन क्लियर हो जाएगा। डन मैम। डन, यस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। राधिका स्लाइड आपका मैसेज मैंने अभी देखा, स्लाइड दिखानी है फिर से बैक? नहीं मैम, जिसमें आपने टेम्परेट वाला लिखवाया था ना कि टेम्परेट में ज्यादा हो रही है, वो दिखाऊं फिर से? यस मैम, वो वाली स्लाइड ये देखो मैम। ओके हाँ जी मैम, आपने बोला कि 70% एनिमल्स होते हैं, 22% प्लांट्स होते हैं, फिर मैम 8% क्या होता है? 8% का कोई डेटा नहीं मिला हम लोगों को उसमें। 8% में हो सकता है बैक्टीरियाज वगैरह आ जाए, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी बैक्टीरियाज वगैरह को कंसीडर नहीं किया। ओके मैम, ठीक है, हो गया, चलो आगे चलते हैं। मैम हाँ जी, फिर तो ये तो इनकी लिमिटेशन हुई, इन्होंने बैक्टीरिया को ही नहीं लिया। हाँ, वो भी आगे पढ़ाया जाएगा, वो भी बताया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ना मोस्टली मतलब फंजाई ले लो, एनिमल ले लो, कुछ भी ले लो, उससे ज्यादा ही अमाउंट में हमारे पास तो बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कंसिडर नहीं किया, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में आगे। चलो अब आता है कुछ ग्राफ इन्होंने दे दिया इसी बेसिस पे। सबसे पहले आपको तीन ग्राफ्स याद रखना है, पहला इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट का और फिर प्लांट्स का। अगर मैं इन्वर्टिब्रेट्स का देखूं तो इन्वर्टिब्रेट्स में देखो, मैंने आपको बोला 70% तो मेरे पास इंसेक्ट्स हैं वही रहा, और बाकी जितना बच गया वो सारे के सारे मेरे पास, बाकी वो सारे के सारे क्या है, दूसरे एनिमल्स हैं। अब इसको याद रखना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को, देखो मैं पहले आप लोगों को इन्वर्टिब्रेट का लिखवाती हूँ। तो इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है मेरे पास? इंसेक्ट्स। फिर इंसेक्ट्स के बाद कौन है? अदर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद मॉलस्क, देन क्रस्टेशियन। इसकी कोई ट्रिक बनाओ अभी जल्दी जल्दी से, फिर वर्टिब्रेट की ट्रिक पे आओ। सबसे ज्यादा कौन है मेरे पास? फिशेस। फिर रेप्टाइल, बर्ड, बर्ड रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, देन मैमल्स, देन एम्फीबियंस। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, हमने सही लिखा है नहीं लिखा। फिशेस, एम्फीबियंस, कहा गया फिशेस, फिशेस के बाद ये लिख रहा है एम्फीबियन, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है ना ये सब तो हम लोगों को देखने में, बट सेम नहीं है। मैमल्स वाला देखो सबसे कम है, एम्फीबियन वाला मैमल्स से कम लग रहा है ना। यस मैम, मैमल्स को एंड में रेप्टाइल्स कम लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बर्ड। और से ज्यादा रेप्टाइल से, तो हमारा फिर पहला आएगा बर्ड, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स, है ना? मैम सही है। चलो फिर इसके बाद आते हैं हम लोगों के पास प्लांट्स वाला केस। अब प्लांट्स में तो सबसे ज्यादा कौन है? फंजाई, है ना? फंजाई के बाद एंजियोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, मॉसेस, फर्न एंड एलीज, फर्न एंड लाइकन, लीचिन, लाइकन, ऐसे है। तो इसको याद रखना, आईओएमसी का कोई ट्रिक बनाओ, एफबी, इसका तो बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, एफबी पर राम, एफबी पर है कौन? राम, राम सब उसको लो, कोई भी लड़का है वर्टिब्रेट की, एफबी राम। आईयूएमसी से क्या बना सकते हो? आईयूएमसी प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में क्या बनेगी? फंजाई, फन, फंजाई से याद रखते हैं हम, फन
विथ एंजल फन एंड एंजल से याद रखना है आपको एंजियोस्पर्म, देन एल्गी से याद रख लो फन विद एंजल एल्गी से एल्गी मोसेस पॉन्स लाइकन अल्मोफेली. बनाओ ना कोई ट्रिक अच्छी सी, यूज करो माइंड अपना. जैसे कि फन एंजल फिर उसके बाद ऐसे या फिर मतलब ऐसे रिलेट करके ऐसे ही फंस फंस विद लाइक एंड सी. ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में ना मेरे को इनवर्टिब्रेट की और प्लांट्स की. इनवर्टिब्रेट की मैंने आपको बता दिया एवरीवर है राम एवरीवर है राम ठीक है. इनवर्टिब्रेट की और प्लांट्स की आप मेरे को बताओ देना दोबारा से. क्या बेटा इसे एक बार एक्सप्लेन कर देना दोबारा से, कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट. बेटा ऐसे नहीं किया करते, ऐसे तो बाकी बच्चों को टाइम वेस्ट होगा ना. ऐसा सब लास्ट में कर देना कोई बात नहीं. हमें लास्ट वैसे चलो मैं बता ही देती हूँ मैंने क्या करा ना. अभी यहाँ पे कुछ नहीं समझाया, सिर्फ ये जो ग्राफ लिखा हुआ है ना उस ग्राफ की शॉर्ट ट्रिक्स लिख दी यहाँ पे कि सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्राफ को देख के जैसे कि इनवर्टिब्रेट है सबसे ज्यादा कौन है इंसेक्ट्स है तो आई लिख दिया. फिर सेकंड नंबर पे कौन है अदर ऑर्गेनिज्म को लिख दिया. फिर सेकंड नंबर पे मोलस्क, थर्ड पे मोलस्क, फिर क्रस्टेशियंस, ऐसे लिख दिया. इसको याद करने की बस ट्रिक्स पूछ रही हूँ मैं ठीक है. ओके मैम चलो अब इसके ट्रिक्स आप लोग मेरे को बताओगे प्लांट्स वालों की और वर्टिब्रेट्स वालों की. अब हम चलते हैं आगे हमारा. यहाँ से कुछ याद नहीं रखना है सब छोड़ दो, यहाँ से आएगा इम्पोर्टेंट पार्ट. अब ये हम लोगों को क्या कहता है देखो ध्यान से समझना. इंडिया के अंदर एक स्टोरी सुना रही ऐसे समझना, अगर मैं पूरे इंडिया में देखूं हमारे इंडिया के पास जितना एरिया है उस एरिया में से 2.4 इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड ले रहा है वर्ल्ड के अंदर पूरा 2.4% लैंड है. पूरे वर्ल्ड में 2.4% है लैंड और उस लैंड पे उस मतलब उस 2.4% के सिर्फ 8.1% के ऊपर हमारी सारी स्पीसीज की डाइवर्सिटीज मिलती है. समझ पा रहे हो पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड वाला एरिया है. अब लैंड पे ही तो ज्यादा स्पीसीज मिलेगी ना मेरे को देखने के लिए. मैम लैंड है या इंडिया का लैंड है? पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड का लैंड, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं देखूं लैंड कितना है तो पूरे वर्ल्ड में 100% एरिया में से 2.4% लैंड है सिर्फ. अच्छा इंडिया, हाँ इंडिया, इंडिया का पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 2.4% है ठीक है. और उस 2.4% के 8.1% में सबसे ज्यादा मेरे को स्पीसीज देखने के लिए मिलती है सबसे ज्यादा. तो इसका मतलब ये हो गया देखो पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया के पास सिर्फ 2.4% लैंड है और उसमें से सिर्फ 8.1% पे स्पीसीज मिले. तब भी इसके बावजूद भी मेरे इंडिया को अगर हम काउंट करें पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में तो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं. 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है जिसमें हमारा इंडिया 8th नंबर पे आता है. जैसे होता है ना रैंकिंग दे देते हैं कि सपोज रैंकिंग किसी कंट्री को दे दी जिसके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, फिर किसी को सेकंड दे दिया किसी को थर्ड दे दिया, हमारे इंडिया को ऐसे 8th नंबर मिला हुआ है. आए जी समझ में? 2.4% में से 8.1% पे ग्लोबल बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है और इंडिया को 12 में से 8 की रैंकिंग दी हुई है. सिंपल? यस मैम. चलो अब इसके अलावा अराउंड 45,000 स्पीसीज है मेरे पास प्लांट्स की. बेटा रैंकिंग में नहीं बता मेरे को कौन है, बस इंडिया का बता, इंडिया 4th रैंक पे है, सॉरी 8th रैंक पे, 8th रैंक पे हमारा इंडिया है. अब क्या बोलते हैं 45,000 स्पीसीज है हमारे प्लांट्स की एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. 40 प्लांट की अगर हम देखें तो 45,000 स्पीसीज और उसका भी डबल अमाउंट एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज. मतलब अगर 45% प्लांट्स की है ना तो 90,000 मेरे पास एनिमल्स की स्पीसीज जो इंडिया के अंदर पाई गई है, सिर्फ इंडिया के अंदर पाई गई है. ये याद रखना है, इतना आप लोगों ने याद रख लिया. फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि
टोटल कितना हम लोगों ने, अगर हम पूरे ग्लोबल एस्पेक्ट्स में देखे, मई का जो मई का आपका ग्लोबल एस्पेक्ट था उसका अकॉर्डिंग क्या था, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर मेरे पास टोटल 1000 स्पीसीज है तो उन 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 22% ही स्पीसीज है जिनके पास, जिनका हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। ठीक है, अब क्या है, मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज जिन ऐसी हैं जिनको मुझे अभी भी डिस्कवर करना है। देखो क्या क्या याद रखना है, 2.4% इस 2.4% है पास, कहां से बनेगा ये रहा, मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज मेरे पास है एंड 3 लाख एनिमल की स्पीसीज है जिनको अभी भी डिस्कवर किया जाना बाकी है। वुड वी वर टू एबल टू कंप्लीट द इन्वेस्ट्री, ये सब बोला गया क्या, क्या हम इसको इन्वेस्ट कर मतलब डिस्कवर कर पाएंगे, हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, सब बकवास बात है, कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, ओके मैम, याद रहेगा इतना चीज़ मैम। अब आता है इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट, हमें कैसे पता कि इतनी स्पीशीज अभी भी खोज में है, मतलब अभी हुई नहीं है पूरी उनकी स्पीशीज, क्योंकि टोटल स्पीसीज इन्होंने बोला कि इतनी हो सकती है। अभी टोटल स्पीसीज किस बेसिस पे पता करता है कि सब उसको हमने प्लांट ले लिया तो प्लांट की जेनेटिक वेरिएशन देखता है कि कितनी की वैरायटीज हो सकती हैं, उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि टोटल हमारे पास इतनी स्पीसीज हो सकती है इसकी जिनको हमें अभी डिस्कवर करना बाकी है। क्योंकि आपको पता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग वेराइटीज डेवलप होती है, उस केसेस पे बताता है। अब देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट अच्छे से समझना है आप लोगों को। आप लोगों ने ग्लोब देखा है, कुछ कुछ ऐसे दिखता है ना ग्लोब, यस मैम, ओवल शेप, यस मैम, है ना से। अब ग्लोब के अंदर ना ऐसे लाइंस बनी रहती हैं, ऐसे तो एक सर्कल सा होता है, यहाँ पे ऐसे लाइन होती है, ट्राई कर रही हूँ अच्छा सा बनाने का ताकि आप लोगों को चीजें समझा पाऊं यहाँ पे। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, यस मैम, चेक करती हूँ मेरा तो नेटवर्क सही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, यस मैम आ रही है, मेरे घर तो कोई इशू नहीं दिखा रहा था। हाँ आ गया, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अभी प्रॉपर है ना, फिर से हो रही है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा रही थी, अभी बताना अभी से, yes, अभी मैंने वीडियो किया, अभी शायद से बेटर हो जाए। yes, मैम अब सही है, yes, मैम क्लियर, पक्का से ना, yes, मैम, yes, मैम, तो मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे लॉब बना, लग रहा है लॉब, बोलते रहना बीच बीच में सो दैट नहीं होता। तो ये जो बीच में लाइन होती है ना इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज है हम लोगों को क्या क्या याद रखनी है, इस इक्वेटर पे जहाँ पे ये वाली जो मेरी लाइन होती है ना इसको हम बोलते हैं आपका ये जो बीच वाली लाइन है इसको पोल बोल देते हैं, ठीक है। पोल और इक्वेटर का इंटरसेक्ट है यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ पे जीरो होता है
जैसे ग्राफ में करते हैं ना हम लोग फ्लोटिंग, ऐसे इसके अंदर भी होता है। यस मैम। जीरो से जब आप इधर चलेंगे तो 10, 20, 30, 40 ऊपर चलोगे फिर 10, 20, 30, 40 सेम यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इधर भी 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबरिंग होती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, इक्वेटर के जो सबसे पास वाला एरिया होता है ना, जो इक्वेटर की सबसे क्लोजेस्ट लाइन होती है, उनको हम बोलते हैं टेम्परेट एरियाज। टेम्परेट नहीं, सॉरी, इनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एरियाज। दिस इज नॉन एज ट्रॉपिकल एरिया। और जो आपका जैसे अगेन यू आर नॉट ऑडिबल मैम, फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आया अभी। हम ट्रॉपिकल एरिया के आगे से बता दीजिए। अभी ये मैंने ही बोला बेटा, इक्वेटर के पास वाला एरिया होगा ना सबसे, उसको तो बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया। फिर उससे दूर जाओगे तो टेम्परेट एरिया आ जाएगा, उससे और ज्यादा दूर जाओगे तो पोलर एरिया आ जाएगा। तीन एरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे, तीन एरियाज। ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया होगा बच्चों जहाँ पे लेस डिस्टर्बेंस पाया जाएगा, लेस डिस्टर्बेंस। कैसा डिस्टर्बेंस वो भी बताऊंगी। टेम्परेट एरिया वो होगा जहां पे मोर डिस्टर्बेंस पाया जाएगा। अब लेस डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा तो 15 हो गया, 15 से 16 और 17, 18 इतना हो गया। एक बार 15 डिग्री सेल्सियस से 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, इतना होगा, उससे ज्यादा नहीं वेरी करेगा। लेकिन टेम्परेट एरिया वो एरिया होता है जहां का टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा वेरी करते रहते हैं, इसलिए वहां के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस देखा जाता है। अब आप एक चीज बताओ, एक एरिया मेरा ऐसा है जिसके अंदर डिस्टर्बेंस बहुत कम है, तो वहां पे स्पीसीज ज्यादा सरवाइव करने के चांसेस है नहीं है? मैम एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं भी आपके बीच में वॉइस ब्रेक हुई थी फिर एकदम फास्ट आई तो समझ में नहीं आया। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को आज नहीं करते बिकॉज शायद मेरा वाईफाई बंद हो गया है। अब आ रही है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। इसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाऊंगी फिर से आज नहीं आई। जब नहीं समझा रहे थे तब आवाज आती है, जैसे समझा रहे थे तब आवाज आती है। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।